And 66 out of the 16 assembly constituencies going to the polls in Jharkhand are in Chaibasa, the place from where former Jharkhand Chief Minister Madhu Koda accused in the 4,000 crore money laundering scam was there. And his wife Geetika Koda is contesting from Jagannathpur constituency and says her husband's arrest will have little impact on her. बिल्कुल नहीं, सभी जान रहे कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया है, उसी आधार पर लोग वोट करेंगे ना जी। उसके अलावा मैम, आप 6 सीट्स पे लड़ रही हैं, आपकी पार्टी, आप सबसे मुख्य कैंडिडेट हैं जो लड़ रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से। अगर 2-4 सीट आ जाती है तो क्या लगता है, अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है तो क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आप मदद कर सकती हैं? उससे कोडा जी को कोई पॉलिटिकल फायदा पहुंचा सकती हैं? बेल आउट जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ कुछ कर पाएंगी? ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। अभी मैं किस तरह से आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स में मैं माहिर नहीं हूं कि मैं आपको पहले ही सारी चीजें बता दूं। तो समय आने पर सभी चीजों का खुलासा होगा, और जो भी करेंगे वो मधु कोड़ा जी ही करेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के प्रमुख वही हैं। थैंक यू। सो देयर यू हैव इट, मिसेस गीता कोड़ा टेलिंग अस रियली दैट व्हाट दे आर पिचिंग हियर इन टर्म्स ऑफ वोट्स इज द फैक्ट दैट मिस्टर कोड़ा हैज वर्कड हियर, हैज कैरीड आउट डेवलपमेंट वर्क, and that she really does not think that all the allegations against the former Jharkhand chief minister will affect voting patterns in any way. In a few days from now, it will become clear whether Mrs. Koda's confidence is misplaced or whether this she can actually gather votes in the name of Mr. Koda for her newly formed political party. With camera person Haribansh Sharma, Alok Pandey, NDTV. Tubar.com.